संसद मार्ग पर आज ये जनसैलाब आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आप देख सकते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं का जनसैलाब जो है वो यहाँ पर उमड़ चुका है, और कैसे यहाँ पर बौद्ध भिक्षु भी जो हैं वो यहाँ एकजुट हुए हैं, और संसद मार्ग पर आज ये जनसैलाब आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीरों में आप लगातार देखते जाइए कि किस तरीके से लोग जो हैं अपनी कल्चर हेजीमनी को भी कैसे जागरूकता के साथ दिखाने का काम कर रहे हैं। सोचिए, जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता है। बहुजन समाज जो है वो पहले की अपेक्षा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से भी जागरूक हो रहा है। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे धर्म को त्याग कर दिया जिसमें भेदभाव, जातिवाद, पाखंडवाद, तमाम सामाजिक क्रूरियाँ थी, जिसने व्यक्ति को असमानताओं के उस पायदान पर खड़ा किया हुआ था। लेकिन बुद्ध के मार्ग पर आकर व्यक्ति जो है वो किस तरीके से समान अधिकार पा सकता है, कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा था कि बौद्ध में भारत बनना चाहिए, तो उसकी तस्वीरें अब आपको देखने के लिए मिल रही है कि कैसे लोग जो हैं वो पहले की अपेक्षा जो है वो जागरूक हो रहे हैं, कैसे पहले की अपेक्षा जो है वो लोगों के अंदर सामाजिक जागरूकता बढ़ रही है। इसके साथ साथ हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से बौद्ध भिक्षु जो हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं, कैसे जो है बुद्ध का मार्ग ही आपको समानता के मार्ग पर लेके जा सकता है। और सोचिए किस तरीके से यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों की भी तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि यहाँ पर बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है। ये तस्वीरें लोग हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगी मैडम, क्या कहेंगी? बच्चों को लेकर आई है, स्कूल की तरफ से आए, संगठन की तरफ से? आज बाबा साहब का जन्मदिवस है, इसलिए मैं आई हूँ। लोग जो हैं वो आए हैं, किस तरीके से लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता बढ़े, क्या कहेंगे मैडम? बस जय भीम के बारे में कहना है और कुछ नहीं। तो सोचिए कैसे लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और अपने जो कल्चर का प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों के अंदर बेहद जागरूकता ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सोचिए, और इसके अपोजिट में आपको गौतम बुद्ध सेंटर, सम्यक प्रकाशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और हम आपको उन स्टॉल पे भी लेके चलेंगे जहाँ पर तमाम बहुजन समाज के लोग जो हैं, नेशनल दस्तक के तमाम दर्शक जो हैं वो किताबें मंगवा सकते हैं, कैसे अपनी सामाजिक जागरूकता को और मजबूत बना सकते हैं। जब तक बहुजन समाज पढ़ेगा नहीं तब तक वो नई लकीर नहीं खींच सकता, इसलिए बहुजन समाज के लोगों को सामाजिक राजनीतिक भागीदारी को अगर बढ़ाना है तो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको संघर्ष करना पड़ेगा, शिक्षित रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको संगठित रहना पड़ेगा, उसके बाद आप इन तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तभी आप अपने संघर्ष को मजबूत बना पाएंगे। तमाम लोग जो हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में आए हैं। सुबह प्रधानमंत्री आए थे, देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ आई थी और बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था, लेकिन वर्तमान सरकार जैसा काम कर रही है, मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला लगाने का काम कर रही है, हमें वो नेता नहीं चाहिए, हमारा समाज का नेता चाहिए, समाजवाद की बात करने वाला नेता चाहिए, जो बहुजन समाज के हक अधिकारों की बात करे वो नेता चाहिए, और लोकसभा चुनाव में जनता को तय करना है कि उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।